अच्छा जी, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल है और सवाल में लिखा हुआ है, एस सी कंपनी इज इवेल्युएटिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी विच इज अ शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ड्यू टू रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 1 मिलियन। मैं मशीन खरीदने का सोच रहा हूँ और मशीन की जो कॉस्ट है ना वो 1 मिलियन होगी। ये मेरा कैश का आउटफ्लो है क्योंकि मशीन परचेज करने के लिए ये पैसे मुझे पे करने होंगे। प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट पी आर फोरकास्ट टू बी एज फॉलोज। ईयर 1, 2, 3, 4 में जितने यूनिट्स बनेंगे, यानी कि प्रोडक्शन एंड सेल्स के यूनिट्स ये हैं, ईयर 1 के, ईयर 2 के, ईयर 3 के, ईयर 4 के। द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पी इन करंट प्राइस टर्म्स विल बी $20 पर यूनिट। करंट प्राइस टर्म्स का मतलब ये है कि आज के रेट पर, यानी कि ईयर नंबर 0 के रेट पर एक प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है ना वो $20 है। वाइल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन करंट प्राइस टर्म्स विल बी $12, वेरिएबल कॉस्ट है वो 12 है। सेलिंग प्राइस इंफ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 4% पर ईयर। ये सेलिंग प्राइस हर साल 4% से इंक्रीज होगी। एंड वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 5% पर ईयर, और वेरिएबल कॉस्ट है वो 5% से हर साल ज़्यादा हो रही होगी। नो इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड सिंस एस सी कंपनी हैज स्पेयर कैपेसिटी इन बोथ स्पेस एंड लेबर टर्म्स। एग्जिस्टिंग जो फिक्स कॉस्ट है, जब आप पी बनाना शुरू करोगे तो उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। इसलिए इजाफा नहीं होगा क्योंकि करेंटली जहाँ पर भी ये चीज़ें बन रही हैं वहाँ पर गुंजाइश है। देखिए, जब हम डिसीशंस लेते हैं ना तो हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज को देखते हैं, रेलिवेंट कॉस्ट और रेलिवेंट रेवेन्यूज को देखते हैं। फिक्स कॉस्ट में किसी किस्म का कोई भी अगर इंक्रीज नहीं है तो फिक्स कॉस्ट हमारे लिए इरेलेवेंट है। हाँ, इस डिसीशन को लेने की वजह से अगर फिक्स कॉस्ट का कोई इजाफा होता तो वो मेरे लिए रेलेवेंट होता। प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट भी विल कॉल फॉर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल लेवल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल विद इन एसी कंपनी इंडिकेट दैट एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, हर साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल फॉर प्रोडक्ट पी विल नीड टू बी 7% ऑफ सेल्स रेवेन्यू फॉर दैट ईयर। किसी भी साल के शुरू में जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा हमें, वो उस साल के सेल्स के 7% के बराबर चाहिए होगा। ऐसी कंपनी पेस टैक्स ऑफ 30% पर ईयर इन द करेंट ईयर इन विच द टैक्सेबल प्रॉफिट अकर्स। लाइबिलिटी टू टैक्स इज रिड्यूस्ड बाई कैपिटल अलाउेंसेज ऑन मशीनरी और टैक्स अलाउेबल डिप्रिसिएशन विच एस सी कंपनी कैन क्लेम ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द 4 years लाइफ ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट। द न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू हैव नो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 4 years पीरियड। ये आपको टैक्स और डेप्रिसिएशन के हवाले से चीज़ें बताई हैं। ऐसी कंपनी यूजेज अ नॉमिनल मनी टर्म्स आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12% फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल परपजेस। कंपनी 12% का आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करती है और साथ में लिखा हुआ है कि ये नॉमिनल या मनी टर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होते हैं, एक रियल होता है, एक नॉमिनल होता है। ठीक है जी, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। रियल कैश फ्लोज लिखे हुए होंगे ना, सॉरी, रियल अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप यूज कर रहे हो तो कैश फ्लोज जो होंगे ना, जो आप यूज कर रहे होगे वर्किंग में, वो कैश फ्लोज होंगे बिफोर इन्फ्लेशन, बिफोर इन्फ्लेशन। और अगर आप नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करोगे तो जो आपके कैश फ्लोज यूज हो रहे होंगे ना, वो आफ्टर इन्फ्लेशन यूज हो रहे होंगे, इन्फ्लेशन के बाद वाले यूज हो रहे होंगे। इसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी हम नॉमिनल कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर कर और 12% से डिस्काउंट करते हैं। सवाल की एक रिक्वायरमेंट है कि एनपीवी कैलकुलेट करो, एक रिक्वायरमेंट है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करो। तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग करते हैं जो कि हमारी बुनियादी बेसिक वर्किंग होगी। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू की जब हम वर्किंग करेंगे तो हमारे पास ईयर नंबर 0 है, फिर ईयर नंबर 1 है, उसके बाद फिर ईयर नंबर 2 होगा, उसके बाद हमारे पास जो है वो ईयर नंबर 3 होगा और हमारे पास ईयर नंबर 4 होगा। ये 4 साल है हमारे पास। ठीक है,
सबसे पहले तो हमें लिखना होगा सारे सालों का सेल्स रेवेन्यू। अच्छा, सेल्स रेवेन्यू के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट्स। देखिए, यूनिट्स तो आपको दिए हुए हैं ना, 35,000, 53,000, 75,000, 36,000। सेलिंग प्राइस कैसे आएगी? सेलिंग प्राइस हमारे पास लिखी हुई है, द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पी इन करंट प्राइस टर्म्स विल बी $20 पर यूनिट। जब कोई बोले ना करंट प्राइस टर्म्स की सेलिंग प्राइस है ये, तो इसका मतलब ये होता है कि ये विदाउट इन्फ्लेशन है और ये नंबर जीरो पर जितनी होती ना वो है, और हम नेट प्रेजेंट वैल्यू में, हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के सवालों में एज्यूम करते हैं कि सारे कैश फ्लोज साल के आखिर में अराइज होंगे। देखो, जब हम यह नंबर वन वाला सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम 35,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 नहीं करेंगे, हम 35,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 नहीं करेंगे। ये 20 जो सेलिंग प्राइस दी हुई है वो करंट प्राइस टर्म्स की दी हुई है। करंट प्राइस टर्म्स का मतलब यही कि यह नंबर जीरो पर जैसी होनी चाहिए वैसी दी हुई है। जब यह नंबर वन पर आना होगा तो एक साल की इसमें इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट करनी होगी, और सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 4%, ये भी मेंशन्ड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं एक वर्किंग करता हूँ सेलिंग प्राइस की। हमें जो सेलिंग प्राइस दी हुई है वो यह नंबर जीरो वाली दी हुई है, करंट प्राइस टर्म्स यानी कि आज की दी हुई है। हमें तो यह नंबर वन, यह नंबर टू, यह नंबर थ्री और यह नंबर फोर की सेलिंग प्राइसेस जो है वो पहले लिखनी होंगी। तो 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सेलिंग प्राइस का इन्फ्लेशन रेट 4% है, 1.04 से, ठीक है? तो हमारे पास यह नंबर वन की वैल्यू सेलिंग प्राइस की आनी चाहिए 20.8। फिर 20.8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.04 से, तो 21.63। फिर 21.63 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.04 से, तो 22.5 तकरीबन आता है। और फिर 22.5 जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.04 से, तो 23.4 आता है। ये सेलिंग प्राइसेस हमें लेनी होंगी। हमें करंट सेलिंग प्राइस या ईयर जीरो की वैल्यू दी थी, उसको हमने 1.04 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा से 1.04 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा से 1.04 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा से 1.04 से मल्टीप्लाई किया और इस वैल्यू पर हम आ गए। अब हमारे पास जो है ना 35,000, 53,000, 75,000 और 36,000 यूनिट्स लिखे हैं। सो यह नंबर वन का जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो कैसे आएगा? 20.8 जो आपकी यह नंबर वन की सेलिंग प्राइस है मल्टीप्लाइड बाई 35,000, 35,000 मल्टीप्लाइड बाई 20.8 जो है ना 728,000 बन जाता है, 728,000। इसके बाद 53,000 यानी कि दूसरे साल के यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 21.63 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 114,6390 बन जाता है, 114,6390, ठीक है जी। उसके बाद फिर उससे आगे हम चलते हैं तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 22.5, सो 22.5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 75,000 से, 1,687,500, 1,687,500। और उसके बाद फिर 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 23.4, ये आपका बन जाता है 842,400, 842,400। ये आ गए सारे सालों के सेल्स रेवेन्यू। इसमें से हम माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट होंगी, हमारे पास अगेन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन करंट प्राइस टर्म्स विल बी $12। ये $12 यह नंबर जीरो वाली वैल्यू दी हुई है और वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन का रेट है 5%। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट 12। 12 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से, तो ये आ जाएगा 12.6। 12.6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12.6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से, तो ये आ जाएगा 13.23।
13.23 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से, तो 13.89, और 13.89 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से, तो 14.59, 14.59 ये वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को हम अपनी वर्किंग्स में यूज करते हैं, तो हमारे पास 12.6 मल्टीप्लाइड बाई 35,000, 35,000 इंटू 12.6 करते हैं, 441,000 आ जाता है। सो ये वैल्यू है 441,000। उसके बाद आपके पास अगली वैल्यू क्या है, 13.23, 53,000 मल्टीप्लाइड बाई 13.23, ये आपके पास 701,190 आ जाता है, 701,190। उसके बाद 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 13.89, 13.89 से मल्टीप्लाई किया 104,1750, 104,1750। उसके बाद 36,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 14.59 से, सो 14.59 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to 5 240, 5 to 5 240, ठीक है जी। ये आपकी सारी की सारी सेलिंग सॉरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अच्छा देखिए, वेरिएबल कॉस्ट के अलावा हमारे पास कोई फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, तो हम अपनी कंट्रीब्यूशंस भी निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन अगर हम निकालते हैं तो 728,000 में से हम माइनस कर देंगे 441,000, यह आ जाएगा 287,000। उसके बाद आ जाएगा 1146,390 माइनस 701,190, यानी कि 445,200, 445,200। उसके बाद 1687,500 माइनस 104,1750, यानी कि ये बन जाएगा 645,750, 645,750। उसके बाद 842,400 माइनस 525,240, यानी कि 317,160, 317,160, सही है जी। अच्छा, क्या हम इस पे टैक्स लगा दें? अब देखिए, दो तीन मेथड्स होते हैं कैपिटल अलाउंसेस की ट्रीटमेंट के। मैं आपके साथ एक मेथड अभी आज डिस्कस कर लेता हूँ, और उसमें हम कैपिटल अलाउंसेस को माइनस भी करेंगे, टैक्स लगाकर उसको ऐड बैक भी करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, ये वाला पैराग्राफ तो हमने अकाउंट फॉर कर लिया। दूसरा वाला पैराग्राफ वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब जो होता है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पर्टेन नहीं करता, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है वर्किंग कैपिटल, उसका टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो कैश का आउटफ्लो होता है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी ये देखते हैं, और अभी क्यों नहीं होगी ये भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। हम तीसरे पैराग्राफ को अकाउंट फॉर करते हैं, बोलते हैं ऐसी कंपनीज पेस टैक्स ऑफ 30% पर ईयर, टैक्स जो है वो कैश का आउटफ्लो है। इन द ईयर इन विच द टैक्सेबल प्रॉफिट अकर्स, जिस साल टैक्स का प्रॉफिट होगा उसी साल टैक्स पे करा जाएगा। कभी कभी लिखा हुआ होगा इन एरियर्स, कभी कभी लिखा हुआ होगा इन सेम ईयर, तो यहाँ पर सेम ईयर में पे हो रहा है। लाइबिलिटी टू टैक्स इज रिड्यूस्ड बाई कैपिटल अलाउंसेज ऑन मशीनरी। कभी कभी टैक्स वाला ये बोलता है कि तुमने अगर कोई मशीन खरीदी है ना, तो उस मशीन की डेप्रिसिएशन को माइनस कर कर और फिर टैक्स का रेट अप्लाई करना, मैं उतना टैक्स मांगूंगा। कहने का मकसद ये कि टैक्स वाला ये कह रहा है कि मैं इस 287,000 पर तुमसे टैक्स नहीं मांगूंगा पहले साल का, बल्कि अगर तुमने कोई मशीन खरीदी है तो उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करो, फिर जो वैल्यू बच जाएगी उस पर तुम जो टैक्स बनता है वो पे करना। बात समझ में आ गई? देखिए, सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ, फिक्स कॉस्ट तो कोई है नहीं तो ये बच गया। लेकिन टैक्स वाला बोलता है नहीं, इस पे टैक्स नहीं दूंगा मैं तुमसे, बल्कि कहते हैं लाइबिलिटी टू टैक्स इज रिड्यूस्ड बाई कैपिटल अलाउंसेज ऑन मशीनरी, यानी कि अगर तुमने कोई मशीन खरीदी है और उस मशीन की कोई डेप्रिसिएशन है तो वो माइनस करके जो अमाउंट बचेगा उस पर तुम मुझे टैक्स देना, टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन कहते हैं इसको। विच ऐसी कंपनी कैन क्लेम ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द 4 ईयर्स लाइफ ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का आप सब जानते हैं,
तो लिखा हुआ है कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, उसके हिसाब से ये वैल्यू चार्ज होगी, और फिर जो है वो आप जो है वो टैक्स पे करोगे। द न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू हैव नो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 4 ईयर्स लाइफ। नई वाली मशीन की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये है कि जब 4 साल पूरे होंगे तो इसको बेचूंगा तो बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे या नहीं। किसी किसी सवाल में लिखा हुआ होगा कि स्क्रैप वैल्यू नहीं है, किसी किसी सवाल में लिखा हुआ होगा कि स्क्रैप वैल्यू है। जब स्क्रैप वैल्यू होती है तो एक मुख्तलिफ तरह से ट्रीटमेंट होती है, और जब स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है तो एक मुख्तलिफ तरह से ट्रीटमेंट होती है। अगर स्क्रैप वैल्यू होती है ना तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी निकलता। तो किसी सवाल में गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल होगा तो उसको देखेंगे, अभी तो स्क्रैप वैल्यू नहीं है। सीधा सीधा आपने 1 मिलियन की मशीन खरीदी, टैक्स वाला बोलते हैं कि इस 1 मिलियन रुपए की जो मशीन आपने खरीदी है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड पर 4 साल इसकी जिंदगी है, तो 1 साल की जो है वो 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की जो है वो आप डेप्रिसिएशन जो है वो लगाओगे हर साल, और फिर मुझे टैक्स दोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन है, टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन है हर साल की 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख, उसके बाद दोबारा से 2.5 लाख, ये हर साल आपने माइनस कर दिया, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख माइनस कर दिया। अब जो अमाउंट बच जाएगा ना, अब जो अमाउंट बच जाएगा, टैक्स वाला बोलता है इस पे टैक्स देना, तो इसको हम कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट, इसको हम कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। तो मेरा जो टैक्सेबल प्रॉफिट होगा 287,000 माइनस 250,000, यानी कि 37,000 होगा। उसके बाद 445,200 माइनस 250,000, यानी कि 195,200 होगा। उसके बाद 645,750 माइनस 250,000, यानी कि 395,750 होगा। उसके बाद 317,160 माइनस 250,000, यानी कि 67,160 होगा। इस पर टैक्स वाला बोल रहा है 30% टैक्स दे दो, और टैक्स जो है वो मेरे लिए कैश का आउटफ्लो है, तो 37,000 का मैं 30% ले लेता हूँ, 11,100 पहला आउटफ्लो हो गया, 11,100। उसके बाद 195,200 का 30% ले लेता हूँ, तो 58,5,560 होगा, 58,560 होगा। उसके बाद 395,750 का 30%, यानी कि 118,725 होगा, 118,725 होगा। इसके बाद 67,160 का 30%, यानी कि 20,148 होगा। ठीक है जी। अब ये टैक्स हो गया माइनस, टैक्स हम माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ जाता है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, पहले तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट सारे लिख लेते हैं ना, 37,000 में से हमने माइनस कर दिया 11,100, तो बच गया 25,900। उसके बाद 195,200 में से हमने माइनस कर दिया 58,560, तो बच गया 136,640। ठीक है जी, 136,640। उसके बाद 395,750 में से हमने माइनस कर दिया 118,725, यानी कि 2770, 277025। उसके बाद 67,160 में से हमने माइनस कर दिया 20,148, तो बच गया 47,012। ये आपके पास आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब एक मजे की बात देखो, सेल्स रेवेन्यू जो है ना वो आपका कैश का इनफ्लो है, पैसों का आना। वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो कैश का आउटफ्लो है, पैसों का जाना। टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन है ना, ये नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है, यानी कि आप कभी भी डेप्रिसिएशन किसी को पे तो नहीं करते हो ना। कोई आया आपने बोला भाई 1 साल की डेप्रिसिएशन है, आपने पे करी उसको, पैसे देते हो क्या डेप्रिसिएशन के? नहीं सर, डेप्रिसिएशन पे नहीं करते हैं। अगर आपने अकाउंटिंग भी पढ़ी हो तो डेप्रिसिएशन की आपने एंट्री पास करी होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउेंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ना उसको आप कर लेते हो क्रेडिट, है ना, पे थोड़ी करते हो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कभी भी पे थोड़ी होती है। तो सर फिर माइनस क्यों करी थी?
माइनस क्यों करी थी आपने? हम तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो बेसिस पर, कैश बेसिस पर। नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सारे कैश के इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस करोगे। बेटा माइनस मजबूरन करी थी सर। ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसी ये मजबूरी थी कि टैक्स वाले ने बोला था ये अमाउंट माइनस कर कर जो अमाउंट बचेगा मैं तुमसे उस पर टैक्स लूंगा, और टैक्स जो है वो कैश का आउटफ्लो। तो अगर ये माइनस नहीं करता तो ये अमाउंट नहीं आता, ये अमाउंट नहीं आता तो इसका 30% नहीं आता, तो इसलिए माइनस किया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन जितना ऊपर माइनस किया ना उतना ही दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा याद रखो कि टैक्स वाला जो है वो टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन को एज अ टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस ट्रीट करता है। तो हम पहले माइनस करते हैं ताकि वो अमाउंट आ जाए जिस पे टैक्स लगेगा, टैक्स लग गया, टैक्स माइनस कर दिया, और फिर वापस से इस अमाउंट को ऐड कर दिया जाता है। क्योंकि ये नॉन कैश आइटम था तो हमने माइनस किया था, बिल्कुल किया था 2.5 लाख रुपए ताकि टैक्स कैलकुलेट हो जाए। अब उतना ही दोबारा से ऐड कर देंगे। सर क्या और कोई तरीका है? हाँ सारे तरीके बताऊंगा, दो तीन और तरीके हैं, लेकिन आज सिर्फ इसी तरीके के बारे में दिन रात सोचो, सोते हुए सोचो, जागते हुए सोचो, ताकि एक तरीका तो समझ में आए। तो जितना आपने ऊपर माइनस किया था उतना ही आप नीचे ऐड बैक कर रहे हो। माइनस करना करा ही क्यों अगर ऐड बैक करना था तो? ठीक है, माइनस इसलिए करा ताकि टैक्स कैलकुलेट हो सके, वरना टैक्सेबल प्रॉफिट और टैक्स का रेट जिस चीज पर 30% अप्लाई होना वो वैल्यू नहीं आती। और ऐड क्यों कर दिया भाई? ऐड इसलिए कर दिया क्योंकि ये कोई कैश का आउटफ्लो थोड़ी है, किसी को पैसे दिए थोड़ी है। सही है, अब क्या होगा भाई? अब हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, चले वो लिख लेते हैं हम। अब हमारे पास वैल्यूज आती हैं 25,900 प्लस 250,000 हो गया 275,900, 275,900। उसके बाद 136,640 प्लस 250,000, ये आ गया आपके पास 386,640, 386,640। उसके बाद 277,025 और 250,000 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 527,025, 527,025। उसके बाद 47012 में 250,000 को ऐड कर देते हैं, तो 2970, 297012। अब सर क्या इस सवाल के हिसाब से और कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बाकी है? जी हाँ बाकी है। सबसे पहली बात, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मशीन आपने 1 मिलियन की खरीदी, वो आपने कहीं पर भी नहीं लिखा तो वो लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और वो ये नंबर 0 कोई भी है, यहाँ पर 1 मिलियन लिखना पड़ेगा। अच्छा सर, ये पहले क्यों नहीं लिखा आपने, अब क्यों लिख रहे हो? पहले इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि देखो यहाँ तक हमने जितनी वर्किंग करी है ना, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले चीज़ों की करी है। ठीक है ना, आपको अकाउंटिंग का अगर कॉन्सेप्ट हो तो सेल्स रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ है, डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ है। तो सर ऐसा क्यों किया? इसलिए क्योंकि बेटा टैक्स जो लगता है ना, टैक्स का जो ताल्लुक होता है ना वो मुनाफे से, प्रॉफिट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। इसलिए मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट या वो चीज़ें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पर्टेन करती हैं उनको बिल्कुल शुरू में 100% इग्नोर करा। अब मैं वो चीज़ें लिखूंगा जो कि कैश का आउटफ्लो या कैश का इनफ्लो तो है, पैसों का आना या पैसों का जाना तो है, लेकिन जिस पर टैक्स नहीं लगता। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब 1 मिलियन की मैंने करी है और यह नंबर 0 पर करी है तो वो लिख दी। फाइनली एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अच्छा सर ये क्या चीज होती है? वर्किंग कैपिटल का आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो मैंने स्टॉक में करी है, डेटर्स में करी है, वो पैसा जो बैंक में रखा है, वो पैसा जो कैश रखा है जिससे मैं बिजनेस करूंगा। अब देखिए ये याद रखिएगा कि जो टैक्स अथॉरिटीज होती है ना, वो आपके सालाना कमाई, जो आपने पैसा कमाया होता है, ठीक है, जो आपने पैसा कमाया होता है उस पर टैक्स लेती है, यानी कि प्रॉफिट पर टैक्स लेती है, आपके एसेट्स पर टैक्स नहीं लेती है। मिसाल के तौर पर कभी भी ऐसा नहीं होगा टैक्स वाले आपके घर आए बोले भाई तुम 5 करोड़ के घर में रहते हो
5 करोड़ का 35% जो भी बनता है चलो निकालो। तो बोलोगे भाई ये तो मैं घर में रहता हूँ, ये मैंने कमाया थोड़ी है, मेरे बाप दादा का था या मेरा था, तो मैंने इस पे टैक्स पहले ही भर दिया जब मैं कमा रहा था, मेरी कमाई जो थी उसकी सेविंग करी और उससे ये घर लिया, इस पे थोड़ी टैक्स होगा। हाँ ये हो सकता है कि टैक्स वाले बोले भाई तुमने पूरा साल जो है ना वो बिजनेस कर कर, जॉब कर कर, नौकरी कर कर, एक्स वाई जेड काम कर कर, दुकानें किराए पर देकर, स्टॉक मार्केट में तुमने इन्वेस्टमेंट कर कर करोड़ों रुपए साल के कमाए, उस पर टैक्स दो। हाँ उस पर टैक्स बनता है, लेकिन एसेट्स पर कभी भी टैक्स नहीं बन रहा होता। तो अब देखते हैं इसने क्या बोला वर्किंग कैपिटल के हवाले से। इसने बोला प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट ही विल कॉल फॉर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। जाहिर है आप एक नया प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो बाजार में, तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। कभी भी आप नया बिजनेस करते हो तो आपको स्टॉक, बैंक में पैसा, कैश, इन चीजों की जरूरत होती है। एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल लेवल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल विद इन एसी कमी इंडिकेट दैट एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल फॉर प्रोडक्ट वी विल नीड टू बी 7% ऑफ सेल्स रेवेन्यू फॉर दैट ईयर। वो बोलते हैं कि किसी भी साल के शुरू में जो वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो सेल्स रेवेन्यू के 7% के बराबर होनी चाहिए। अब जरा इसको समझते हैं। देखो हमें उससे बोल दिया कि वर्किंग कैपिटल यानी कि स्टॉक, डेटर्स, बैंक में पैसा, कैश के फॉर्म में पैसा, वो 7% होना चाहिए। 7% किसका? सेल्स रेवेन्यू का। और कब होना चाहिए? स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, ठीक है, हर साल के शुरू में, स्टार्ट ऑफ ईयर में। अब देखो इसको जरा समझते हैं। देखो जो हमने डायग्राम बनाया ना बेटा, उसमें ये ईयर जीरो क्या बता रहा है? सर ये ईयर नंबर जीरो जो होता है ना, ये ईयर नंबर जीरो जो होता है, ये ईयर नंबर जीरो जो होता है ना, ये पहले साल का स्टार्ट होता है। ईयर जीरो जो होता है वो पहले साल का स्टार्ट होता है। ईयर वन क्या होता है फिर? पहले साल का आखिरी दिन, दूसरे साल का स्टार्ट। ईयर टू क्या होता है फिर? दूसरे साल का आखिरी दिन, तीसरे साल का स्टार्ट। तो ईयर जीरो क्या है? ईयर जीरो है स्टार्ट ऑफ ईयर वन। अच्छा ईयर वन की सेल्स कितनी है? 728,000। 728,000 का 7% क्या बनता है? 728,000 का 7%, 728,000 का 7% जो है ना वो बन रहा है 50960, 50960, 50960 साल के शुरू में, पहले दिन स्टार्ट में, उस साल का जो सेल्स रेवेन्यू का अमाउंट होगा वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हमारी, उसकी 7% होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट क्रेडिट, ठीक है, 50960। यानी कि कहने का मकसद ये कि भाई इतना पैसा मैंने जो है वो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया है। अब ये पहले साल की सेल्स का 7% है, क्या ईयर वन के नीचे लिखूं? नहीं, सर ईयर वन तो पहले साल का आखिरी दिन होगा। उसने बोला है कि जब तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे किसी भी साल का तब तुम्हें चाहिए होगा। तो यहाँ पर आपने 50960 इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि 50960 का स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड का बैलेंस आपने कर दिया, ठीक है, एक तरह से 50,000 रुपये गले में डाल दिए, 51,000 रुपीज़ गले में डाल दिए कि अब हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए हमें इतने पैसे चाहिए होंगे, या 50,960 रुपीज़ की इन्वेंट्री बना ली, इस तरह की कोई बात। बहरहाल फिर आ गया ईयर नंबर वन। अच्छा ईयर वन क्या होता है सर? पहले साल का आखिर तो है लेकिन साथ में स्टार्ट ऑफ ईयर नंबर टू, यानी कि दूसरे साल का पहला दिन भी तो है। अब दूसरे साल सेल्स रेवेन्यू कितना है? 114,6390। सवा 7%, 114,6390 का 7% जो भी बनेगा, जो कि यहाँ पर बनता है 8,02,47, 8,02,47,
सवाल ने ये कहा था कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल अमाउंट है उसका 7% जितना भी बनेगा आपको वो वैल्यू वर्किंग कैपिटल में एज अ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। समझ लिए एक दुकान का गल्ला है, दुकान का गल्ला है। तुमने जब बिजनेस स्टार्ट किया उस गल्ले में, तुमने जब बिजनेस स्टार्ट किया उस गल्ले में तुमने 5096 डाल दिए और पहला साल पूरा का पूरा तुमने बिजनेस कर लिया, पहला साल तुमने बिजनेस कर लिया पूरा का पूरा, ठीक है ना, जो कि वर्किंग कैपिटल डेबिट था और इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट क्रेडिट था। हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैश है, दूसरी चीजें होती है तो भी ट्रीटमेंट चेंज नहीं होती। अब इस गले में 51,000 रुपीज पड़े हुए हैं ना, बिल्कुल सर पड़े हुए हैं। अब दूसरे साल बिजनेस करने के लिए मुझे गल्ले का टोटल बैलेंस, गल्ले का टोटल बैलेंस, गल्ले में टोटल पैसा 80246 चाहिए। तो क्या मैं मजीद 80247 डाल दूं? नहीं सर, मजीद थोड़ी डालेंगे, आपने जितना डाला हुआ है वो तो गल्ले में पड़ा हुआ है ना, आप सिर्फ डिफरेंस गल्ले में और डाल दो। तो गल्ले में हम जो पैसे डालेंगे ना 80247 मुकम्मल पूरे टोटल चाहिए। उसने बोला था कि वर्किंग कैपिटल हमें किसी भी साल के सेल्स के 7% के बराबर उस साल के शुरू में चाहिए होगा, लेकिन अगर आपने पहले से ही 50960 गल्ले में डाले हुए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 29287 मजीद पुट इन करने होंगे। 29287 वर्किंग कैपिटल डेबिट और 29287 वर्किंग कैपिटल क्रेडिट। इजाफी पैसे आप डाल दोगे तो वो, यानी कि गले में जो पड़े हुए थे उसमें मैंने मजीद डाल दिए 29287, तो गले में 80247 हो गए। ये भी कैश का आउटफ्लो है और ये हमें स्टार्ट ऑफ ईयर 2 पर चाहिए, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 ईयर नंबर 1 होता है, तो यहाँ पर 29287 आ जाएगा। इसके बाद ईयर नंबर 2, सर ईयर 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टार्ट ऑफ ईयर 3, तीसरे साल का शुरू। तीसरे साल की सेल्स कितनी है? 168750 मल्टीप्लाइड बाई 7%, ठीक है जी, 168750 मल्टीप्लाइड बाई 7%, तो ये बनता है 118125। अब क्या करेंगे, वापस से इसमें से 80247 जो पहले से गले में पड़े हुए वो हटा देते हैं, तो 37878 हमें मजीद जो पैसे चाहिए होंगे, 37878 चाहिए होंगे, 878 वर्किंग कैपिटल डेबिट इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट क्रेडिट 37878, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 37878। उसके बाद फिर अगला साल, अब अगेन अगले साल के लिए क्या होगा, ईयर नंबर 3 जो है वो क्या है, स्टार्ट ऑफ ईयर 4, ठीक है जी, तो अब हम लेंगे 842400 का 7%, 842400 का 7% कितना बनता है? 58968, 58968 बनता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो रही है, अब इंटरेस्टिंग सी बात ये हो रही है कि गल्ले में पड़े हुए हैं 118125, जरूरत अब है 58968 की, तो हम क्या करेंगे, हम बजाय के गले में पैसे डालें उससे निकाल लेंगे। बिल्कुल, यानी कि उल्टा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट इस बार डेबिट हो जाएगा और वर्किंग कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। 118125 गले में पड़े हुए, रखने हमें 58968 है, तो हम 59157 जो है वो गले से निकाल लेंगे, 59157, 59157, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 59157, ठीक है जी, 59157 आ जाएगा। ओ सॉरी, ये पैसे नहीं डाल रहे, आ रहे हैं ना इस प्रोजेक्ट से, निकालें 59157 ब्रैकेट के बगैर। अच्छा, अब आ गया चौथ ईयर 4,
अच्छा अब देखिए क्या और बात लिखी भी है, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट वी विल कॉल फॉर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल लेवल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल विद इन एसी कंपनी इंडिकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल फॉर प्रोडक्ट वी विल नीड टू बी 7% ऑफ सेल्स रेवेन्यू फॉर दैट ईयर। क्या और कोई बात लिखी हुई है वर्किंग कैपिटल के हवाले से? पूरा सवाल अगर पढ़ लें, ऐसी कंपनी इज इवेल्यूटिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट बी व्हिच हैज अ शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ड्यू टू रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 1 मिलियन। ये कैश का आउटफ्लो हो गया। प्रोडक्शन इज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट की आर फोरकास्ट टू बी एज फॉलोज। ये हमने अकाउंट फॉर कर लिए। सेलिंग प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी 20, उसको इन्फ्लेट करा। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी 12, उसको इन्फ्लेट करते गए थे हर साल। फिक्स कॉस्ट थी नहीं, ठीक है। रिड्यूसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट की रिकॉर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। वो इन्वेस्टमेंट हर साल के शुरू में कितनी होगी? वो हर साल के शुरू में 7% होगी सेल्स रेवेन्यू के। फिर टैक्स का रेट दिया हुआ था, टैक्स एवर प्रॉफिट की बात करी हुई थी, टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन की बात थी, सारी चीजें हमने इनकॉर्पोरेट कर दी। अच्छा अब ये नंबर 4 जो प्रोजेक्ट का आखिरी साल है ना, तब अगर प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्टमेंट हुई भी है ना वर्किंग कैपिटल में, वो पूरी रिलीज हो जाती है। इसका क्या मतलब है सर? देखो लेट से तुमने एक दुकान खोली, जनरल स्टोर था, एक कोई शॉप थी, टॉय शॉप थी, फोटोकॉपी की शॉप थी, तुमने उसमें वर्किंग कैपिटल लगाया, पैसा लगाया, इन्वेंट्री रखी, पेन पेंसिल शार्पनर रबर इरेजर, 4 साल बाद वो दुकान बंद कर दी किसी भी वजह से, तो जितना उसका वर्किंग कैपिटल होगा वो बेचोगे और पैसा रिलीज हो जाएगा ना। जब हम एक बिजनेस वेंचर को वाइंड अप करेंगे तो उसमें जो हमारा इन्वेंट्री का पैसा होगा वो रिलीज हो जाएगा। मैं वापस जाकर किसी वेंडर को बेच दूंगा कि भाई मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, ये सारी चीजें तुम रख लो। तो अभी हमारे पास स्टार्ट ऑफ ईयर नंबर 4 पर 58968 की वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट थी। ईयर नंबर 4 यानी कि एंड ऑफ ईयर 4, या इसको हम स्टार्ट ऑफ ईयर नंबर 5 भी कह सकते हैं, जब हमने बिजनेस वाइंड अप करा तो गले में जितने पैसे थे वो सारे हम घर ले आए, और गले में 58968 पैसे थे। तो अगेन एंट्री पास होगी इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट डेबिट 58968 और वर्किंग कैपिटल क्रेडिट यानी कि जो बचे हुए पैसे थे, अब क्योंकि बिजनेस बंद हो गया, खत्म कर दिया हमने सारी चीजें, तो हम ये पैसे 58968 घर ले आए। अब हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ सकते हैं हर साल के। हम सारे सालों के कैश फ्लोज जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। पहले साल के नेगेटिव 1 मिलियन और नेगेटिव 50,960, तो ये बन जाएगा 1,050,960। उसके बाद 275,900 में से 292,87 अगर माइनस कर देते हैं तो ये बच जाता है कितना, 246,613। उसके बाद 386,640 में से 378,78, 386,640 माइनस 378,78 तो बच जाता है 348,762, 348,762। उसके बाद 527,025 माइनस 591,57 तो ये बच जाता है आपके पास 467,868, ठीक है जी। अच्छा नहीं, इनफ्लो, सॉरी, 527,025 प्लस 591,57 ये बन जाता है 586,182, 586,182। उसके बाद 297,012 प्लस 589,68 ये बन जाता है 355,980, 355,980। फाइनली 12% के डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। पहला तो 1 होगा, दूसरा होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.12 यानी कि 0.893 होगा। उसके बाद उससे अगला डिवाइडेड बाय 0.112 करते हैं तो 0.797 होगा। उसके बाद उससे अगला वापस से डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 3 कितना होगा भाई? ये आपके पास 0.712 होगा। और उसके बाद फिर अगला 0.636 होगा। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यूज निकालने के लिए। प्रेजेंट वैल्यूज निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये तो
105096 नेगेटिव रहेगा, 2466 13 मल्टीप्लाइड बाई 0.893, 220225 220225 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 348762 मल्टीप्लाइड बाई 0.797, 277963 हो जाएगा, 277963 हो जाएगा। उसके बाद 586182 मल्टीप्लाइड बाई 0.712 यानी कि 41736, 41736 टू हो जाएगा। उसके बाद 355980 मल्टीप्लाइड बाई 0.636 यानी कि 226403 हो जाएगा, 226403 हो जाएगा। और फिर एनपीवी के लिए हम सारे कैश इनफ्लोज को ऐड करके आउटफ्लोज को माइनस करेंगे। सो 226403 प्लस 417362 प्लस 277963 प्लस 220225 माइनस 1050960 ये नेट हमारे पास 90993 बन जाएगा। ये हमारी 90993 की एनपीवी होगी। इस बात को मैं एक अलग लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि नॉमिनल कैश फ्लोज, रियल कैश फ्लोज और नॉमिनल डिस्काउंटेड और रियल डिस्काउंटेड क्या चीज़ होती है। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखो कि क्योंकि हमने इन्फ्लेशन को हर जगह शामिल किया है, हर वर्किंग में इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया है, तो हम नॉमिनल डिस्काउंटेड यूज करेंगे। इस वीडियो को जब आप दोबारा से देखोगे, आराम से तसल्ली से दोबारा सवाल करोगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। खैर, 12% पर हमारे पास एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि हम इस इन्वेस्टमेंट को परस्यू करेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का। अब बड़ा आसान तरीका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का, और वो ये है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए, हमें पता है कि 12% पर हमारी एनपीवी जो है ना वो पॉजिटिव आ रही है, तो इसको हम 1% ले लेते हैं और इस एनपीवी को हम एनपीवी ए ले लेते हैं। फिर हम 15%, 16%, 20% कोई एक और रेट एज्यूम कर एक और एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर लेट से हम एक और रेट यूज करते हैं 20% का। 20% के हिसाब से एक और बार एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी डायरेक्ट वर्किंग करता हूँ। मैं करता हूँ 246613 पहले साल के कैश फ्लोस डिवाइडेड बाई 1.2, तो ये आ जाते हैं 205510। मैंने क्या किया है, 246613 को 20% से एक साल के लिए डिस्काउंट किया। फिर 348762 डिवाइडेड बाई 1.2 की पावर 2, ये आता है आपके पास 242196, 242196। इसको डिस्काउंट कर लिया। अच्छा, अब इसको डिस्काउंट करूंगा, फिर इसको डिस्काउंट करूंगा, तो 586182 डिवाइडेड बाई 1.2 की पावर 3, ये आ जाएगा 339225, 339225। और 355980 डिवाइडेड बाई 1.2 की पावर 4, ये आ जाएगा आपके पास 171672, 171672। और इसमें से कैश आउटफ्लोस को 1050960 को हम माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है 205510 प्लस 242196 प्लस 339225 प्लस 171672 माइनस 1050960, नेट आंसर बचता है 92357 का नेगेटिव। नेगेटिव का आ रहा है 92357 यानी कि 20% पर हमारी एनपीवी जो आ रही है ना वो नेगेटिव आ रही है। तो हमारा जो आईआरआर का फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को पता ही है, 1% प्लस एनपीवी ए, एनपीवी ए यानी कि 90993 डिवाइडेड बाई एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी यानी कि 92357 मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए परसेंट, तो ये बन जाता है 12%। अच्छा, नीचे दोनों चीजें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, तो 90993 और 92357 दोनों ऐड होंगे, तो वन ऊपर होगा 90993 और नीचे होगा 1833 50,
और ये आपके पास आ रहा होगा 8%। परसेंटेज की साइन को अभी इग्नोर करें क्योंकि आंसर हमें परसेंटेज में निकालना है। तो हम कहते हैं 12 जमा 90993 डिवाइडेड बाई 183 350 मल्टीप्लाइड बाई 8, यह आ जाता है आपका 15.97 या तकरीबन तकरीबन 16%। ठीक है जी, तो ये आपकी आ गई IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू। अच्छा, तो हमने ये वाला सवाल भी कर लिया, यानी कि पार्ट बी भी कर लिया। पार्ट बी जो है वो भी कोई खास मुश्किल नहीं था, उसमें हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना था। फिर बोलते हैं एडवाइस ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट बी एंड डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द इवैल्यूएशंस यू हैव कैरीड आउट, और डी ए डिस्कस हाउ द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ये दोनों थ्योरी के पार्ट है, मैं आप लोगों को अभी आंसर देता हूँ, उससे 2 से 3 या 4 बार आप उसको रीड करें और फिर जो चीज़ें समझ ना आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों को ये PDF भी भेज दूंगा, उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस सवाल को एटलीस्ट 2-3 बार सॉल्व करिएगा, इस सवाल की PDF, आंसर की PDF और ये वाली PDF आप मुझसे मांग सकते हैं। थैंक यू सो मच, और अच्छे से चीज़ें